क्या बोल रहे हो भाई? डेड बॉडी जा रही है आगे थोड़ा। अरे फोन चला लो या तो गाड़ी चला लो। भाई वो तो मैं निकाल ही लूंगा ना, पूछ के निकालूंगा तेरे से। भोसड़ी तो फोन चला रहा है ऊपर, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। 1 2 3 तो भाई लोग गुड मॉर्निंग, आज दूसरा वाला दिन है और मैं अभी बैठ के अपना फोन चला रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था कुल मिला के। बाहर से आवाज आती है, हेलो आंटी जी भैया हैं। मम्मी ने बोला नहीं भैया नहीं है, क्योंकि मैंने बोल के रखा है मम्मी मुझसे पूछ के ही आप किसी को अलाउड करोगे, हाँ मैं हूँ। और बच्चे लोगों ने बोला कि हम भैया के लिए केक लाए थे, मैंने ठीक है भी और रुकते हैं और इंसिस्ट करते हैं, देखते हैं लोग कितना ट्राई करते हैं। फिर बाद में फाइनली जाके मैं पहुँचा तो सामने बच्चे बैठे हुए हैं दोनों और हमारे लिए केक लेके आए हैं। अपनी पॉकेट मनी इन लोगों ने इस पर उड़ा दिया है। इनके पापा मम्मी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पैसे देना बंद कर दो, ठीक है। ये दूसरों के लिए केक काट रहे हैं, हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काटो तो खुश भी हो जाए, क्यों भाई छोटू? और ये दोनों बच्चे मीटअप पे आए थे, इन दोनों इसको तो मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, मैंने इसके गाल भी ऐसे किए थे, याद है? है ना छोटू? और तुझे भी देखा था ब्रो मैंने। हाँ हाँ तुम्हें भी देखा था मैंने। हाँ ये कई बार मिल चुका है, केक लाए हैं। ओहो क्या, अरे वाह यार। अच्छा ये केक टेरान के लिए है? आपके लिए भी है। अरे यार तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, फिर आप क्या करोगे? भाई ये क्या था? क्या हुआ क्या ये? कहाँ गई मोमबत्ती उड़ गई? ये इतनी जलेगी क्या? चलो हैप्पी बर्थडे टेन आवर। अभी टेरान का बर्थडे एक साल की हुआ। चलो आ जाओ। मानोगे नहीं, पता है इस बाइक में एक फ्यूल गेज तक नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें फ्यूल कितना दिखाता ही नहीं है। मतलब यार 20 लाख रुपए की बाइक, इसका शायद 16 लीटर का टैंक होगा, उसमें चलती है सिर्फ ये 150-200 किलोमीटर के आसपास, और भाई साहब इसमें फ्यूल गेज ही नहीं है। मतलब ये चलती है गाड़ी अंदाजे से, आपने फुल टैंक कराया, अब आपने सोचना है भाई कि 150 किलोमीटर चलानी है भगाने के बाद, खींचने रबड़ देने के बाद, और इतनी इसको चलना है, ये सिस्टम है। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इसमें अपने जो स्लाइडर्स होते हैं ना, जब ये गिरेगी ना बाइक तो इस पे उसको प्रोटेक्ट करेंगे वो, और जो आगे आती है ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल आती है, और जो इंजन गार्ड आता है और जो एग्जॉस्ट गार्ड आता है, वो सब मैंने मंगवा लिए थे, एकदम बढ़िया कंपनी के, महंगे वाली बातचीत है वो। गाइस टेनार पता है मेरे लिए सिर्फ 390 जैसी है, क्योंकि मेरे को बहुत चलाई मैंने गाड़ी, एक ही बार में गाड़ी थी चलाई कि मेरे हाथ में जमी हुई है गाड़ी है। तो गाइस ये रही, कौन सी कंपनी की है? ये रेट्रो क्रॉस, सॉरी मैंने रेसिंग स्पोर्ट्स बोल दिया था, ये कंपनी है ऑथराइज्ड। और ये जो ग्रिल है पूरी, इसमें दो ग्रिल्स हैं, इंजन की ग्रिल है जो रेडिएटर को प्रोटेक्ट करेगी और जो इंजन गार्ड को ग्रिल करेगी। तो ये 10,000 रुपये का ये हो गया, और इसको खोलोगे तो इसमें भैया बहुत सारी, इसमें बहुत महंगा सौदा है। ये खुल गया, ये देखो भाई ये इसकी पूरी किट है, ये प्रोटेक्शन की हो गया उसके, ये दोनों लगेंगे साइड में, एक इधर ये लग जाएंगे आगे, ये लग जाएंगे पीछे, और ये लग जाएंगे एग्जॉस्ट के ऊपर, तो गाड़ी गिरने से हो जाएगी पूरी प्रोटेक्ट। और ये कैसे लगाना है ये देखो, ये इसका बिल है पूरा 12,000 रुपये का, ये 10,000 रुपये की, ये कितने 22,000 भाई ने मुझसे लिए और भाई ने मुझे मंगा के दे दिया। चलो अब इसको फिट विट करवाते हैं, फिर गाड़ी गिरेगी भी तो कोई इशू नहीं है। लो भैया अब आप कर सकते हो फिटिंग इसकी। तो गाइस पूरी फिटिंग्स लग गई है यहाँ पे, ये देख लो भाई, एक ये, एक आगे और एक पीछे, ये मस्त चीज़ थी। अब बची है सीट, और सीट के जो पैर रखने के फुटरेस्ट जो यहाँ लगेंगे,
और एक सीट यहाँ पे लग जाएगी और बजा। उसके बाद एग्जॉस्ट जो कि अपन लगवाएंगे ओरिजिनल वाला, ये लगा हुआ था इसमें रैपली का, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ साउंड के लगाया था कि मज़ा आता रहेगा, बट मैंने जुगाड़ करी एक बढ़िया एससी बजट की जो कि ओरिजिनल रहेगा। स्लिप ऑन लगवाएंगे, तगड़ा वाला आवाज़ करेगी ये। अभी इतना भाई मस्ट काम वाला जो अपन ने पूरा कर दिया है ये लगवा दे। अब गाड़ी गिरेगी तो भाई ऐसा है कि स्क्रैच तो नहीं आएंगे, दिल पे ठंडक पड़ी रहेगी। अरे आप भाई गिर गिर जाए यार, आप ही उतार लो, जान दो धक्का लगाओ। जय भाई आज खा के नहीं आएगा। अच्छा उस पर धक्का लगा नहीं सकते ना, दम से दिक्कत हो जाएगी। दोनों साइड से पकड़ो। हाँ भाई यहाँ चल रहा है भैया पेच के लिए काम, ये देख लो। तो भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो मुझे नहीं पता कि MP04 आर्मी के लोग हमें कैसे पहचान लेते हैं। ये भाई लोग अभी वहाँ थे, ये मिलने आ गए, एक भाई ये आ गया, एक और भाई अभी मिलके जा चुका है मेरे से, अभी शायद तीन चार और आ जाएंगे। पता नहीं कैसे देख लेते हैं ये लोग, आवाज़ सुन लेते हैं, बाइक देख लेते हैं, जबकि मैंने बाइक भी कुछ लगवाया भी नहीं है अभी ना, यूट्यूब के लोगों लिखवाया, मतलब दिल की वो कनेक्शन है ना कि भाई ये भैया जा रहे होंगे। तो भाई दो भाई लोग और आ गए, मैंने बोला था ना मैं ये भाई लोग तो स्टोरी देख के आए ना, तुम बस में बैठे हुए थे घर जा रहे थे कॉलेज से, ने देखी स्टोरी, भैया यहाँ पे राजकुमार भाई की शॉप पे है, तुरंत बस से उतरे और आ गए। और अभी एक भाई ने स्टोरी देख के फ़ोन लगा दिया ऑनर को, उनसे भी मैंने बात करी भाई से भी, मतलब ये मतलब दिख रहा है यार MP04 की पावर तो आर्मी की है यार, ऐसा नहीं है रहता था कि मैं अकेला हूँ, पर तुम लोग तो वही साथ में फाड़ के रख देंगे। यूके वूके जितने भी तुम याटू झाटू हो ना, बता रहा हूँ पंगा मत लेना, क्यों सही है देखते हो यूके को नहीं छोड़ दिया। अच्छा मेरे मेरे बोले छोड़ दिया, छोड़ दिया क्यों भाई, तो पूरे कमेंट में देखते नहीं आ रहा है, पूरे कमेंट पे स्पैम कर दिया आपके MP04 आर्मी। चलो भाई फुल पावर, लेट्स गो गाइस। अब इतना है ना भाई प्रोटेक्शन अपने पास कि अगर बाइक गिरेगी तो डेंट नहीं आएगा। ये देखो भाई बाइक इस पे ही गिरेगी, काफ़ी महंगी चीज़ है, 22,000 रुपये की मेरे को पड़ गई तीनों सारी चीज़ें ग्रिल मिला के। अगर मैं एक्चुअल बताऊँ ना भाई तो इसकी कॉस्ट मैं अगर दूँ तो 5,000 ज़्यादा नहीं दूंगा, पर यार गाड़ी महंगी है तो चीज़ भी महंगी हो जाती है। जैसे एप्पल का आईफोन महंगा आता है तो उसकी ईयरफोन भी महंगी हो जाती है, जबकि वो इतनी महंगी होनी नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो भाई, डेड बॉडी जा रही है। अरे अरे तो आप ही लोग हो उसमें। हाँ भाई अच्छा वो सामने जा रही है, ओम शांति भाई, आराम से जाएंगे। चलो मैं निकल रहा हूँ भाई लोग आगे, पर आवाज करती क्या करूँ यार अब। हाँ आ रहे हो तुम कैमरे में, आ रहे हो भाई द MP04 राइडर, ठीक है, पर यार मेरी गाड़ी में तो आवाज है। चलो भाई, तो भाई यार डेड बॉडी जा रही है भाई, ये जीवन में कड़वा सच है। तो भाई अपनी बाइक वॉश होके आ चुकी है और ताहिर भाई चलाएंगे उसको, आवाज सुना देना भैया अपने को। और बारिश का मौसम हो रहा है, मजा आएगा आज तो बाइक चलाने में। तो शांत हो गई ताहिर भाई, शांत की हो गई गाड़ी, फिर क्या है इसलिए। ये ऐसे ही बंद हो जाती है और ऐसे में गिरते गिरते भाई ज्यादा अब एक जगह भी बंद नहीं करी गाड़ी। अरे ये भैया ऐसे इसलिए मैंने ये लगवा लिया कि अब गिरेगी ना तो ये सारा बचा लेंगे। अरे ताहिर भाई कुछ भरोसा थोड़ी है, गिर भी गई तो क्या दिक्कत है, लगवा तो लिया प्रोटेक्शन। तो गाइस देखो अभी तो अपने को रोड मिला नहीं 300 मारने के लिए, जब अपन ड्रेगर्स लगवाएंगे ना भाई अपनी टेनार और न्यू टेनार से, जब आप 5,000 कमेंट कर दोगे तो अपन क्या करेंगे ना उसी हाईवे पे 300 भी मार लेंगे, रेस की रेस भी खेल लेंगे। तो 5,000 कमेंट करो फटाफट, तुरंत रेस करवा देंगे अपन। चाचा ईद मुबारक, ईद तो चली गई ना, ईद ख़त्म हो गई ना, चलो बढ़िया। अरे भाई यहाँ रोड खाली मिला है मेरे को, बस ये गाड़ियों वालों को बीट करना पड़ेगा। हटो 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 भाई हटो हटो, हाँ जान दो, अब पकड़ लो भाई लोग, तुम लोग सीट की भीड़। नहीं नहीं भाई इधर खोलूंगा मैं, चलो 1 2 3। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये गाड़ी कितने की स्पीड पे गई, मेरा हेलमेट हिलने लगा,
और भाई उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं मेरे पास कि सुमित भैया की जो फैन फॉलोइंग है उसमें लड़कियां भी बहुत जुड़ रही हैं। बढ़िया बढ़िया गुरु। अबे नशे में चल रहा है क्या? भाई रुक गया एकदम से वो। अरे फोन चला लो या तो गाड़ी चला लो। वो तो मैं निकाल ही लूंगा ना, पूछ के निकालूंगा तेरे से। क्या क्या? एक तो फोन चला रहा है ऊपर मेरे से बदतमीजी कर रहा है, फोन चला रहा है मेरे से बदतमीजी कर रहा है साला। फोन चला गाड़ी चला मुझसे बदतमीजी कर रहा है। गाइस मौसम चेक आउट करो और रॉकेट को देखो कितना सेक्सी लग रहा है। इसका कैमरे के बाहर कलर बहुत डार्क दिख रहा है, कैमरे में बहुत लाइट दिख रही है। ये मौसम जहर वाला हो गया भाई शाम का। और लाइट जल गई, ये देखो। ओए होए तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यही रहता हूँ। लाश शुभम भाई, भाई ये वही पर्सन है जब अपन सेटों से बुक करके आए थे छोटा, तो इन्होंने शुभम भाई ने क्या बोलता भाई टेनार लेना। मैं टेनार भाई एक दो साल बाद देखेंगे, ये आ गई छह महीने। शुभम भाई हाँ निश्चित इधर से घुमा के लाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे वाली पार्टी ठोके पिटे वैसे ही पैसा नगद मिल जाएगा, कोई इसका से घबराने वाली बात ही नहीं है। हल्का फुल्का शुभम भाई उठा लिया मैंने। देखो शुभम भाई तुझे जान देना पुलिस वालों का देख के है ना, ठीक है जान दो। और धीरे एकदम से भगाना मत कि बिली बिली पड़ जाएगी उसमें। हाँ टैक्शन पे डली हुई है जान दो, क्लच मत दबाओ। तो आज सुबह से सब्सक्राइबर भाई लोग मिल रहे हैं, ये भाई लोग 20 में लोग हैं। और ये जो भाई है ना और ये जो भाई है दोनों कजन कजन है रियल। पर अब आप बताओ ये भाई की शक्ल देख लो, ठीक है, और भाई की शक्ल देख लो, अब कहाँ से तुम रियल लग रहे हो दोनों मुझे इतना बता दो। गाइस बिल बताएंगे हमें, हम कमेंट करके बता देना। बदबू कैसी आ रही है गाड़ी में? अरे अभी वो चीज कौन खाए ना हमने, अबे तो इतनी गंदी बदबू चीज की साले बाजी। देखो भाई ये जहाँ गाड़ी थोड़ा खड़ी होती है ना वैसा डेली का थोड़ा यही सीन है, डेली का यही सीन है भाई डेली का। ये देखो फोटो चाहिए भाई। ओके अभी तो क्या सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, बाइक को देखने में लोग भी मिल जाते हैं। अरे सुनो सुनो एक काम करो छोटे इधर आओ, चाबी दे घर ले जाओ, घर ले जाओ उसको, जाओ घर ले जाओ। तुम लोग पहचानते हो मेरे को भाई? तो भाई अब चलते हैं घर क्योंकि भाई हो गई है रात, अब एडिटिंग भी करनी है और फिर ये लोग आए हैं इनसे मिलूंगा, आज पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया। हाँ कसम पूरा नेहरूनगर हिल गया होगा आज। गाइस ये मेरा पुराना इलाका है जहाँ मैं पहले रहता था, अब मैंने ये घर छोड़ दिया है और मुझे यहाँ चिड़ भी बहुत है आने में। तो गाइस ठीक है ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्यार देना, सब्सक्राइब करना। टिल देन साइनिंग ऑफ, तुम्हें जय हिंद जय भारत, बाय बाय। अरे सॉरी सॉरी यार हटी नहीं रहा था ये, तुम मैं क्या करूं।